हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप 3 kg का 3-tier केक बना सकते हो। ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ में बनाना है। तो सबसे पहले हमने ये स्पॉन्ज लिया था, हमारा मतलब हमने स्पॉन्ज बनाया था 10 इंच के मोल्ड में, ठीक है। 10 इंच के मोल्ड में हमें ये केक बनाना है नीचे का, सबसे 1.5 kg का हमने यहाँ पर लिया 500 ग्राम प्रीमिक्स, क्योंकि थोड़ा सा प्रीमिक्स हमने ज़्यादा रखा है। नॉर्मली मैं 450 लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमने लिया 500। और हमारा जो स्पॉन्ज था वो भी देखो, आपने देखा होगा टेढ़ा आया था, क्योंकि बैटर एक साइड ज़्यादा था, एक साइड कम, ध्यान नहीं दिया उसको लेवल करना, वो एक साइड से ऊपर नीचे हो गया। ये टिन चेरियाँ जो आती हैं वो यूज़ कर रहे हैं, साथ में हल्का सा स्ट्रॉबेरी क्रश। वैसे आपको पता ही है ब्लैक फॉरेस्ट में क्रिश लिक्योर जाता है, मार्शिनो चेरीज वगैरह जाती हैं, तो उससे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप ये भी देख रहे होंगे वीडियो में कि मैं पहली बार ड्रम बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मज़ा आ गया। केक को एक जो अपील देता है बोर्ड, ठीक है, तो वो उसके बात ही अलग है। तो हमें ब्लू कलर का बनाना है, बीच में येलो और सबसे टॉप पार्ट भी ब्लू कलर का। और आप बाउल भी देख रहे होंगे, एक बड़ा सा बाउल रखा हुआ है मेरी मशीन का, तो क्रीम भी इससे मस्त बीट हो रही है आजकल। काम काफ़ी हल्का हो गया है, क्योंकि अकेले प्रोडक्शन करना होता है तो फिर दिक्कतें होती हैं बहुत, अगर आपको हैंड बीटर से यूज़ करना हो। लेकिन ठीक है, हैंड बीटर भी अभी भी यूज़ करते हैं, और बड़ी मशीन भी आ गई है, उससे स्पॉन्जेस वगैरह हमारे फटाफट से हो जाते हैं एक बारी में। तो जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे चैनल को तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रम बोर्ड हो गया हमारा 14 इंच का, थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया है ताकि अब जब इस पे टॉपर वगैरह हम लगाएंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो नीचे का जो केक हमें बनाना है वो 1.5 kg का, और ये स्पॉन्ज हमने बनाया है 7 इंच के मोल्ड में और 300 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से। तो बीच का जो रहेगा हमारा केक वो रहेगा 1 kg का, ठीक है। थोड़ा सा हमारा इसमें ना, देखा होगा आपने, अगर दिख भी रहा होगा मैं निकाल रहा हूँ, कुछ पार्ट ऐसा लग रहा था मुझे जैसे वो हल्का सा कच्चा रह गया है, कुछ पूरा तो नहीं है स्पॉन्ज, वैसे तो बाकी सारा सही है, लेकिन कुछ रह गया तो उसको हमने निकाल दिया है। इसको बनाना शुरू करते हैं, व्हिपिंग क्रीम, अपना हल्का सा स्ट्रॉबेरी क्रश और चेरीज। मैंने आपको पहले एक वीडियो में दिखाया भी है, सिखाया भी है कि अगर आपके पास ड्रम बोर्ड नहीं है तो आप कैसे प्लाई बोर्ड से अपना बोर्ड बना सकते हो। लेकिन अभी जिस हिसाब से हमारा काम बढ़ रहा है तो हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ रहा है और सामान लेके रखना पड़ रहा है। अब इतना टाइम भी नहीं होता कि बनाएं, और जब ख़त्म हो जाएगा माल तब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बना भी लेंगे। तो दोनों तरीके से हम तैयार रहते हैं, हर परिस्थिति के हिसाब से आदमी को तैयार रहना चाहिए, ठीक है। और ये रही येलो व्हिपिंग क्रीम, अभी गर्मी का मौसम आ चुका है, आप लोगों को पता ही है कितनी परेशानी होती है, और एसी चल रहा है इसलिए बढ़िया काम हो पा रहा है। लेकिन सैड स्टोरी क्या हुई, ये केक हमें देना था 4:30 पे और हमारा ये केक तैयार हुआ 5:30 पे। कस्टमर्स ने लेने से मना कर दिया, बोल दिया कि हमें नहीं लेना, आप ले जाओ इस केक को। हमने भी कह दिया ठीक है भाई ले जाते, लेकिन कहते हैं ना जब आपकी नियत साफ हो तो ऊपर वाला भी हेल्प कर देता है। तो वहीं पे हमें, मतलब हमारे स्कूल की जो क्लासमेट थी वो मिल गई, कि उसकी चाचा जी का घर था, तो बात हुई तो फिर उसने बोला अपने चाचा जी को कि ये तो मेरे साथ में था, ये पढ़ाई करता था, और फिर उन्होंने वो केक फिर ले लिया। तो ठीक है, हमारा काम हो गया, हमारा केक चला गया। हमने बड़े प्यार से बनाया था वैसे तो ये केक, चलो कोई बात नहीं, 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने केक लेने से मना किया हो। नॉर्मली लेट तो हमारे केक हमेशा ही होते हैं, ये बात फैक्ट है, कि चाहे 10 मिनट हो या 15 मिनट हो ही जाता है, क्योंकि कई बार पता नहीं चल पाता कि फिनिशिंग करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो कुछ नहीं, ये पेपर स्ट्रॉ मैंने लगा दिए हैं, ऊपर से लगा दिया है एक केक का बोर्ड, क्योंकि अभी बस बना रहा हूँ और पिकअप होने वाला है और कटेगा भी अभी, तो कुछ ख़राबी नहीं होगी। और आराम से ये देखो हो चुका है हमारा केक तैयार। और जो सबसे ऊपर वाला स्पॉन्ज है ये हमने बनाया 5 इंच के मोल्ड में, और ये बनाया 150 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से, ये हमें बनाना है 1/2 kg, ठीक है। इसको भी हम तैयार कर लेते हैं,
आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों ने सीखा है, इससे पता चलता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा है, लोग सीख रहे हैं, अपना खुद का काम करना शुरू कर रहे हैं। जो चीज़ें जैसी होती है मैं आप लोगों को उसी तरीके से बता देता हूँ, बस कॉपी करनी है आपको और कुछ नहीं है, बस सीखते जाओगे आप लोग भी। अच्छा, गड़बड़ एक छोटी सी हुई, हालांकि देखो टॉपर मैंने पहले ही बना के रखे हैं। टॉपर अगर आपको जानने हैं मिनियन के तो आप कोई भी ट्यूटोरियल देख लेना, इजीली मिल जाएगा, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, 1.5 घंटा लगा था उसे बनाने में, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस वीडियो में, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन कुछ पार्ट अपने आप ही स्किप हो गया, जैसे कि मैं उसको किस तरीके से लगा रहा था, चलो वो एंड में मैं बता दूंगा। बस हमें क्या करना है, ड्रॉप लगानी है नोज़ल। जब ड्रॉप लगानी हो ना आपको, तो जो जिस स्टार नोज़ल में ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो वाला ड्रॉप के लिए यूज़ किया करो। हर नोज़ल से ड्रॉप अच्छी नहीं आती है, जैसे 4 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, इन नोज़लों से ज़्यादा अच्छे स्टार नहीं बनते जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, 12, 14। तो इस तरीके के जो नोज़ल होते हैं ना उसमें काफ़ी अच्छी ड्रॉप्स आती है, ठीक है। तो सिंपल सा केक है, लेकिन अब आप देखो नीचे ब्लैक बेस हो गया, हमारा केक भी बिल्कुल सेंटर में है, येलो भी एकदम परफेक्ट लग रहा है फिनिशिंग में, ब्लू भी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। देखो सिंपल केक में भी आप जान डाल सकते हो अगर फिनिशिंग परफेक्ट है तो, ठीक है जी। अब इसको करते हैं डेकोरेट करना। यहाँ लगा दिया मैंने 5 नंबर और मैंने नेम कट करके रखे ही थे, इन्हें भी लगा देंगे। अब बहुत जल्दीबाजी करनी पड़ रही थी, नहीं तो मैं थोड़ा सा और टाइम लेता, और जो नाम लगाया थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट हो गया एक साइड में, नीचे चला गया, नहीं तो मैं उसको भी देख के लगाता। लेकिन अब तो ऐसा था कि काम ख़त्म करना है कैसे भी, इसलिए थोड़ा सा वो टेढ़ा हो गया है। बाकी अगर आप लोग शुगर सिरप यूज़ करना चाहते हो, हालांकि मैं यूज़ नहीं कर रहा, कभी कभी करता हूँ पेस्ट्रीज़ में करता हूँ, या कोई कस्टमर मांगता है ज़्यादा सॉफ्ट तो कर लेता हूँ। आप लोग करना चाहते हो तो 1 लीटर वाटर में 150 ग्राम शुगर डाल के शुगर सिरप आप बना सकते हो। थोड़ा और मीठा चाहिए तो 200 ग्राम 1 लीटर वाटर में बना सकते हो, ठीक है। तो ये रहे हमारे मिनियन जो मैंने सुबह ही बना के रख दिए थे, और जो बीच में मिनियन हमारा जो बैठा है ना, उसको साइड में हमने दो दो बैम्बू स्टिक लगा के साइड से स्टिक किया है, और नीचे वालों को भी साइड से बैम्बू स्टिक लगाई है ताकि ये गिरे नहीं, और ऊपर वाले को तो नीचे बैम्बू स्टिक लगा के हमने रोक दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस केक का प्राइस आप 3000 से 3500 तक इजीली ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।